हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पार्ट, लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर फर्स्ट लेक्चर। वी स्टार्टेड विद टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। वी देन केम अक्रॉस द टर्म्स स्केलर एंड वेक्टर, अंडरस्टूड देम एंड ऑन इट्स बेसिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पीड एंड वेलोसिटी। After understanding these concepts, we moved on to next topic, which was uniform and non-uniform linear motion. I hope you all understood those topics as we are going to use them in this part. In this part, we are going to try and understand acceleration and its type, some graphical representation. We'll try to understand some equations and derive them. Another topic is uniform circular motion, and then finally we'll come to most awaited topic, Newton's law of motion. Now, many of you might be wondering, why didn't we just understand its laws if that's what our chapter is about? It is because these laws have these terms and its applications. So we are first creating a base, like laying a foundation for building. It sounds too difficult, but I'm sure in next few minutes it won't be. So let's begin. The first topic for today is acceleration. We will understand it with a small example from your textbook. यहाँ पर right side में इमेज आपकी textbook की है। इस पिक में एक प्लास्टिक ट्यूब है और एक बॉल उससे पास कर रही है। उसी चीज़ को डिफरेंट वे में लेफ्ट साइड की इमेज में बताया गया है। जब हम बॉल को पास करते हैं ट्यूब से, तो पहले तो वो धीरे धीरे नीचे मूव होगी, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और जब स्पीड बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है। ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक होता है स्पीड और दूसरा वेलोसिटी। अब दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज हो रही है या फिर दोनों चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। फिर जब वो एंड पर पहुँचेगी ट्यूब के, तब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ज़ीरो की तरफ पहुंचती जाएगी। इससे हमें क्या पता चला कि जब बॉल स्लाइड होगा तो टॉप पर उसकी वेलोसिटी कम होगी, मिडिल में आते आते बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे वो एंड तक पहुंचता है वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो वेलोसिटी यहाँ पर हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, कभी इंक्रीज़ हो रही है तो कहीं पर डिक्रीज़ हो रही है। तो इस चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, acceleration. If I had to be precise, acceleration is nothing but rate of change of velocity. Acceleration का formula यहाँ पर दिया गया है, क्या है, change in velocity upon time. अगर initial velocity को मैं u से denote कर रही हूँ, जो शुरू में उसकी velocity होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, initial velocity. उसको मैं किससे denote कर रही हूँ, u से. Final velocity को v से. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज जब भी हम मेजर करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस u अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कब कब चेंज होगा, जब स्पीड चेंज होगी, जब डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर दोनों चेंज होगा। तो इससे क्या पता चला, एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज ये भी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है एक सर्टेन टाइम पीरियड में, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे वो एक्सेलरेटेड मोशन में है या फिर एक्सेलरेटेड है। अब एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब बॉडी की किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है टाइम के साथ, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर दिया गया है वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जब बढ़ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कम रहेगी और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी,
ज़्यादा रहेगी। अब फाइनल वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो v माइनस यू क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, बिकॉज v बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं तो क्या आता है आंसर, पॉजिटिव। अब अगर v माइनस यू पॉजिटिव है तो v माइनस यू अपॉन टी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन भी बोलते हैं। तो जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन। वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पर, डिक्रीज हो रही है, मतलब इनिशियल ज़्यादा थी और फाइनल क्या हो जाएगी, कम होगी। तो v माइनस यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, छोटे नंबर में से जब बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो v माइनस यू अपॉन टी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर v माइनस यू अपॉन टी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही चीज़ यहाँ पर हम लोगों को बताई गई है। यहाँ पर इस इमेज में आपको दिखाया गया है वही पहले वाला एग्जाम्पल है, जब बॉल धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है तो पहले इनिशियली उसकी वेलोसिटी कम थी और मिडल में आते आते बढ़ गई। तो इनिशियल वेलोसिटी कम और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ जब बॉल यहाँ से यहाँ पहुँची। और यहाँ से यहाँ पहुँच रही थी जब बॉल, तब उस टाइम पर उसका वेलोसिटी ज़ीरो पर पहुँच रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है ज़ीरो एक्सेलरेशन का। अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही है, मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है, उसकी वेलोसिटी सेम है 20 किलोमीटर पर आर, तो 20 किलोमीटर पर आर ही है, वो बढ़ नहीं रही है ना कम हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर दिया गया है वही चीज़, नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका मतलब क्या है, सेम है, वेलोसिटी सेम है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में, और इसका मतलब ये क्या है, एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर कोई ट्रक 5 miles चल रही है 5 मिनट में, और हर 5 मिनट में वो 5 miles चल रही है, 5 mile का डिस्टेंस तय कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ये बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं है या फिर ज़ीरो एक्सेलरेशन है। अब इस इमेज में आपको तीनों दिखाया गया है, ज़ीरो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। रोलर कोस्टर में जब हम बैठते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट रहता है जब उसकी स्पीड ना बढ़ती है ना कम होती है। अब ना स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी सेम है, वेलोसिटी सेम है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। और जब वो नीचे जाता है यहाँ से, तो नीचे जाता है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हुआ, तो क्या होगा यहाँ पर उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। फिर जब बॉडी यहाँ पहुँचती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है, तो उसकी स्पीड कम होती जाती है और यहाँ पर आकर फाइनली रुक जाती है। तो जब यहाँ पर आकर वो बॉडी रुक रही है, तो इधर पर उसका एक्सेलरेशन कम होते जा रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इस इमेज में आपको ज़ीरो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन तीनों बताया गया है। फिर अगेन दूसरा एग्जाम्पल है तीनों चीज़ें एक साथ समझने का, ट्रेडमिल। अगर अज्यूम कर लो मैं जिम में हूँ, मैं ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैंने शुरू की कुछ पर्टिकुलर स्पीड से, अब मैं कर रही हूँ बट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, मैंने सोची मैं स्पीड बढ़ा लेती हूँ। तो जब मैंने स्पीड बढ़ाई तो उस टाइम पर क्या हुआ, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ, पहले स्पीड कम थी बाद में बढ़ गई, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर उसकी बढ़ रही है, जब बढ़ रही है स्पीड तो एक्सेलरेशन होगा, और कौन सा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। फिर
अगर मैं सपोज करते करते थक गई तो मैं धीरे धीरे उसको क्या करती जाऊँगी, कम करती जाऊँगी। तो जब मैं कम करती जाऊँगी उस टाइम पर कम होती जा रही है वेलोसिटी उसकी, स्पीड कम होती जा रही है, स्पीड कम होती जाएगी उसकी, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, जिसको हम दूसरा वर्ड क्या यूज़ करते हैं, डिसेलरेशन। और जब मैं आराम से सब करके थक चुकी हूँ, अब मैं बैठ चुकी हूँ एक जगह पर, मैं बिल्कुल मूव नहीं कर रही हूँ, तो मेरे अंदर कोई स्पीड है नहीं, कोई वेलोसिटी है नहीं, तो कोई एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर किस चीज़ का एग्जांपल हो गया, ज़ीरो एक्सेलरेशन का। फिर आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वली चेंज होती है इक्वल टाइम इंटरवल पर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में भी पढ़े थे कि जब इक्वल अमाउंट में कोई चीज़ चेंज हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज होती है अनइक्वल अमाउंट्स में इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फिर आपके पास आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब ये एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक का दिया गया है, इसमें टाइम दिया गया है 0 सेकेंड्स, सेकेंड्स में टाइम दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है मीटर में, टाइम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मतलब 10 का इंटरवल दिया गया है टाइम में, और डिस्टेंस में कितने का इंटरवल दिया गया है, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, मतलब 15 मीटर्स का इंटरवल दिया गया है। और हमें बनाना है यहाँ पर ग्राफ उसका। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ को कंप्लीट की हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में इनकम्प्लीट ग्राफ दिया गया है। तो जब हम इस तरह से इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से निकल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ज़रूरी नहीं है वो हमेशा ज़ीरो से पास करे, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो वो ज़ीरो से पास करेगा, अगर इनिशियली उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो वो ज़ीरो से पास नहीं करेगा। अगर मैं बोल रही हूँ इनिशियली वो 20 किलोमीटर से शुरू किया था उसने, तो इस तरह से हम लोगों का ग्राफ बनेगा। लेकिन कहीं से भी बने, ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर आता है नेक्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है। यहाँ पर टाइम इंटरवल इक्वल है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20, 25 एंड सो ऑन, और डिस्टेंस हर बारी अलग दिया गया है, कहीं पर 7 दिया गया है, कहीं पर 12 मीटर्स दिया गया है, कहीं पर 20 मीटर्स दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ को प्लॉट की हूँ अगेन और जॉइन की हूँ। यहाँ पर आपको कोई सीधी लाइन दिख रही है क्या, नहीं। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज़रूरी नहीं है कि वो एक सीधी लाइन बने, वो किसी भी तरह से स्कैटर्ड रह सकता है। उसके बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कि एक ट्रेन है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर पॉइंट पर वो कितना डिस्टेंस तय कर रही है, 60 किलोमीटर एक घंटे में, नेक्स्ट एक घंटे में फिर से 60 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट एक घंटे में 60 किलोमीटर, तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है यहाँ पर, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है वाई एक्सिस पर। तो जब प्लॉट कर रहे हैं तो क्या दिखा रहा है हम लोगों को, एक स्ट्रेट लाइन जो कि यहाँ से पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब हम लोगों को पता करना होगा डिस्टेंस,
ट्रेवल कितना की है ट्रेन में, एक पर्टिकुलर पॉइंट सपोज इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है ट्रेन में। तो हम जब भी किसी चीज़ का डिस्टेंस इस तरह से ग्राफ में निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। ये जो लाइन है ए बी, इसके नीचे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया होगा ये होगा हम लोगों का डिस्टेंस। यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है कि हम लोगों को अगर ग्राफ की मदद से डिटरमाइन करना है 2 आवर्स और 4 आवर्स के बीच में कितना डिस्टेंस तय की ट्रेन ने, तो हम ए बी सी डी इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उतना डिस्टेंस ट्रेवल की है हमारी ट्रेन ने 2 से 4 घंटे के बीच में। फिर आता है यहाँ पर कि इस एरिया का कुछ पर्टिकुलर रिलेशन है क्या, हाँ है, इस एरिया का एक रिलेशनशिप है। क्या है वो रिलेशनशिप, वो ये है कि वो एरिया हमें क्या बताता है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है। और एक्सेलरेशन क्या होगा ट्रेन का, 0 होगा, बिकॉज 0 से 1 आवर के बीच, 0 से 1 आवर के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 60 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट इसमें भी 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही है, ना चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया यहाँ तक। फिर आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्मली कोई चीज़ एक्सेलरेट होती जा रही है, मतलब हर घंटे उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अगर 5 की क्वांटिटी से बढ़ रहा है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हर 1 मिनट में वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर दिया गया है चेंज इन वेलोसिटी और टाइम। हम लोगों ने जब प्लॉट किया इसका ग्राफ तो वो भी क्या मिला हम लोगों को, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर सिंस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये पास हो रहा है ओरिजिन से। अगर इनिशियली उसकी कुछ वेलोसिटी होती तो वो कहीं और से पास होता, लेकिन अगेन क्या होता, स्ट्रेट लाइन होता। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। इससे पहले हम लोगों ने किसका देखे थे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो ये 4 ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आपको इन 4ों को अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आती है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन हम आगे देखने वाले हैं। तो पहले ये इक्वेशन देखेंगे, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है 2AS इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ, माइनस यू स्क्वायर को अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जा रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस यू स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर प्लस 2AS लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, वी स्क्वायर। और मैं वही इसको उल्टा लिख रही हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं होगा, साइन का चेंज नहीं होगा, यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये इक्वेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। अब मैं इतना सब बोल रही हूँ, वी यू एस ए क्या है, ये सारी चीज़ें, यू है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से। एस से क्यों डिनोट करते हैं, बिकॉज डी जब भी डिनोट करते हैं तो वो डिस्टेंस के लिए होता है, इस वजह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं एस। फिर आता है एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। टाइम, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। अब ये तीनों इक्वेशन का हम डेरिवेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, मतलब हमारी फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या है इसमें, सिर्फ वेलोसिटी और टाइम है।
मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाई हूँ यहाँ पर, आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया गया है कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया गया है और अज्यूम किए हैं हम लोगों ने कि जो भी बॉडी थी वो ऑलरेडी उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं थी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, और धीरे धीरे वो बढ़ रही है। अब सिंस ये यूनिफॉर्म मोशन में है इसलिए ये लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अब इनिशियल वेलोसिटी यू जो है उस पॉइंट को हम लोग ने क्या बोले हैं, पॉइंट डी बोले हैं। फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर उसने रुकी, ख़त्म की, वो वेलोसिटी वी है और उसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया, यहाँ पर पॉइंट सी से। अब जब अगर मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन बना रही हूँ ओ सी के, तो वो क्या होगी, बी ई होगी, ठीक है। तो इस फिगर में हम लोगों को दिया गया है वेलोसिटी टाइम, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, पॉइंट यहाँ पर डी से। और अगर मैं अच्छे से बताऊँ क्वांटिटी वाइज तो ये होगा ओ डी, लेंथ ऑफ ओ डी इज़ एक्चुअली यू। फिर अगर मैं बोल रही हूँ वी, इट इज़ एक्चुअली ओ सी। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट डी, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी यू, और इंक्रीज होती जा रही है, और टाइम टी के बाद, स्मॉल टी टाइम, ओ ई जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, तो यहाँ पर टाइम कितना है, स्मॉल टी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी हो जाती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी एट डी कितनी है, यू, जिसको किससे डिनोट किए, ओ डी से। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी, जिसको किससे डिनोट किए, ओ सी से। टाइम क्या है, टी, जिसको किससे डिनोट किए, ओ ई से। अब ये सारे टर्म्स हमें थोड़ा याद रखने होंगे बिकॉज आगे यूज़ करने वाले हैं हम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्मॉल ए, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी होगी, वी एक्चुअली क्या है यहाँ पर, ओ सी, वी क्या है, ओ सी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओ डी, अपॉन टाइम क्या है, ओ ई। तो यही चीज़ लिख रहे हैं हम लोग, तो ओ सी माइनस ओ डी अपॉन टाइम। अब ओ सी पूरे में से अगर मैं ओ डी निकाल रही हूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ ये सी डी बचेगा, तो सी डी की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली, 80। यहाँ पर ये जो टाइम नीचे की तरफ है हम लोगों ने उसको क्या ले लिए, ऊपर लेकर चले गए, तो हम लोगों को सी डी की वैल्यू मिली 80। अब इसमें हम लोगों के पास तीनों की वैल्यू है, ओ डी की यू, ओ सी की वी, और ये सी डी जो पार्ट है उसकी वैल्यू क्या है, 80। अब अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वाई एक्सिस के, बी ई, और डी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है बी ई को एट पॉइंट ए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा हम लोगों का। सिर्फ मैंने यहाँ पर एक लाइन, डॉटेड लाइन बनाई। अब अगर हम गौर से देखेंगे तो जितनी ओ डी की वैल्यू है उतनी ही ए ई की भी वैल्यू है। तो ओ डी अगर यू है तो ए ई भी क्या होगा, यू होगा, और बी ई की वैल्यू जितनी है उतनी ही ओ सी की वैल्यू है, ओ सी कितना है, वी, तो बी ई भी क्या हो जाएगा, वी। सी डी कितना है, 80, तो ए बी भी कितना होगा, 80। और ओ ई और ए डी ये दोनों सेम है, इन दोनों की सेम वैल्यू होगी। अगर इन दोनों की सेम वैल्यू है तो ये टी है, तो ए डी भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। फ्रॉम ग्राफ बी ई इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ए बी, ये हम लोगों ने देखे कि बी ई क्या है, ए ई प्लस ए बी, और ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी प्लस सी डी, वी इज इक्वल्स टू बी ई क्या है हम लोगों का, वी, ओ डी क्या है, यू, प्लस सी डी की वैल्यू क्या है, 80। तो हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई
which is V is equals to U plus AT. अब ये चीज़ आप लोग खुद से एक बार ट्राई करोगे इस लेक्चर के बाद इसे डिराइव करने की, एक बार खुद से डिराइव करके ट्राई करोगे तो आप लोगों को ये ज़्यादा इजी लगेगा। फिर आता है इक्वेशन डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, मतलब हम लोगों की सेकेंड इक्वेशन। अब अज्यूम कर लो कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन हुआ है और वो एक्सेलरेशन कितना हुआ है, स्मॉल ए, और डिस्टेंस जो उसने कवर किया है जिसको एक्चुअली हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे विच इज़ स्मॉल एस, और टाइम कितना है टी। हमें पता करना है एरिया अंडर डीबी, वो स्मॉल ये जो लाइन है डीबी इसके नीचे जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है। तो वो होगा एक्चुअली क्या, एस की वैल्यू होगी, मैंने बताई थी जब लाइन के अंडर का एरिया हम पता करते तो वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर DB के नीचे जो एरिया है वो पता करना है। तो ये एक फिगर दिख रहा है आप लोगों को, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, चार साइड है जिसके DOEB, ये इस तरह से आपको एक फिगर दिख रहा होगा, नीचे रेक्टेंगल है ऊपर ट्रायंगल है। तो ये जो एरिया होगा वो एक्चुअली क्या होगा, डिस्टेंस का वैल्यू होगी। तो S मतलब हम लोगों का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB, यहाँ पर दिख रहा है मैंने छोटा सा बनाई हूँ DOEB। DOEB एक्चुअली क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB, दिख रहा है आप लोगों को, ये एक रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया करूँगी तो मुझे ये पूरे फिगर का एरिया मिलेगा। अब रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है OD और ब्रेथ क्या है OE, यहाँ पर दिया गया है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ U इंटू T, OD की वैल्यू क्या है U, OE की T, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। प्लस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सिंस ये 90 डिग्रीज पर है, हाफ इंटू बेस क्या होगा AB होगा और हाइट क्या होगा AD होगा, OE इंटू AD इंटू AB। अब AD की जो वैल्यू है वो एक्चुअली OE की वैल्यू है और AB की जो वैल्यू है वो एक्चुअली किसकी वैल्यू है, CD की। OE की वैल्यू है T, CD की वैल्यू क्या पता थी हमें, AT। तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ T इंटू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो गया AT स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी सेकेंड इक्वेशन को भी क्या कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कुछ नहीं किए, बस हम लोगों ने एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द ग्राफ उसको फाइंड आउट किए हैं और वैल्यू सब्सटीट्यूट किए। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, मतलब हम लोगों की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को पता है ऑलरेडी कि लाइन DB के अंडर जो उसने टाइम ट्रेवल करने के लिए लिए वो कितना है, स्मॉल t। एरिया अंडर द लाइन इज एक्चुअली ट्रपेजियम। ट्रपेजियम का क्या डेफिनेशन होता है, ट्रपेजियम इज अ फिगर जिसकी एक अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और बची हुई दो नॉन पैरेलल होती है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगर तो OD और BE ये दोनों पैरेलल हैं और OE और DB ये नॉन पैरेलल साइड है। तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रपेजियम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ट्रपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये ट्रपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है। अब सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम मतलब प्लस, पैरेलल साइड्स कौन सी है, OD और BE, तो OD प्लस BE मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD, तो हाफ इंटू OD प्लस EV प्लस इंटू AD। अब OD की वैल्यू कितनी थी, U,
प्लस BE की वैल्यू कितनी है V मल्टीप्लाइड बाई AD की वैल्यू कितनी है T। तो हाफ इंटू U प्लस V इंटू T, ये हम लोगों की सेकेंड इक्वेशन हो गई। S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू U प्लस V मल्टीप्लाइड बाई T। बट हमें क्या पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। ये हम लोगों ने एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में देखे कि एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं टाइम को इस तरफ लेके जा रही हूँ और एक्सेलरेशन को नीचे लेकर आ रही हूँ, रीअरेंज कर रही हूँ बेसिकली मैं, तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। इसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड इक्वेशन। अब मैं ये इक्वेशन थ्री में जो टी की वैल्यू मिली है मुझे, उससे मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ यहाँ पर इक्वेशन टू में। तो क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू वैसे के वैसे ही है, हाफ वैसे के वैसे ही आया, इंटू यू प्लस वी वैसे के वैसे ही आया, मल्टीप्लाइड बाय वी माइनस यू अपॉन ए। क्या कि मैंने सिर्फ ये जो टी था, इस टी के बदले क्या लिखी हूँ, वी माइनस यू अपॉन ए। अब ये ए को और ये टू को ये जो नीचे 2 है और ये जो नीचे a है, इन दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जा रही हूँ, तो क्या होगा, 2as हो जाएगा इज इक्वल्स टू यू प्लस वी और v माइनस यू वैसे की वैसी है, मैंने उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाई। तो 2as की वैल्यू क्या हो जाएगी, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, यू प्लस वी को मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ v प्लस यू। अब v प्लस यू इंटू वी माइनस यू के बदले मैं लिख सकती हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, हम लोग इसे सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर a के बदले क्या हो गया, v, u, b के बदले क्या आ गया, u, तो यहाँ पर बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये माइनस यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में लेके गई तो प्लस यू स्क्वायर हो गया। अब मैंने इस इक्वेशन को उल्टा करके लिखी हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सिंपल इक्वेशन है, कुछ खास इसका डेरिवेशन है नहीं, बस हम लोगों को टर्म्स याद करने होंगे और एरिया का फॉर्मूला याद रखना होगा और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है हम लोगों को और सिर्फ उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करती जानी है, हम लोगों का डेरिवेशन हो जाएगा। तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी डेरिवेशन देख लिए हम लोगों ने। तीन इक्वेशन, फर्स्ट क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। फिर आते हैं हम नेक्स्ट आपकी टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है कि जब हम यहाँ पर हम लोगों को एक स्क्वायर दिया गया है, तो जब हम स्क्वायर को ट्रेस करेंगे तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेंगे, 4 times। वही अगर पेंटागन होगा तो 5 times, और अगर हेक्सागन होगा तो 6 times। अगर मैं इसे ट्रेस कर रही हूँ तो मुझे कितनी बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है अपनी फिंगर्स का, 4 times। पेंटागन के लिए 5 times, हेक्सागन के लिए 6 times। इससे क्या समझ में आया, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज करना भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हमें कितनी बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो अगर मैं नंबर ऑफ साइड 7 करूँगी तो 7 बार चेंज करना पड़ेगा डायरेक्शन, 8 करूँगी तो 8 times चेंज करना पड़ेगा, 9 करूँगी तो 9 times चेंज करना पड़ेगा, और इन्फिनिटी कर दूँ तो इन्फिनाइट टाइम्स चेंज करना पड़ेगा मुझे डायरेक्शन का। अब जब नंबर ऑफ साइड्स इन्फाइनाइट हो जाती है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में, सर्कल। तो एक सर्कल में अगर मुझे ट्रेस करना है तो मुझे डायरेक्शन कितनी टाइम्स चेंज करना होगा, इनफाइनाइट टाइम्स चेंज करना होगा, मतलब हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन अलग है। तो
अज्यूम कर लो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जैसे कि फैन, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा? अब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो आइडियली इसका जवाब होना चाहिए नो, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन आंसर क्या है इसका? यस। क्यों होगा? बिकॉज डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, स्पीड और साथ ही साथ डायरेक्शन पर। तो जब डायरेक्शन चेंज होते जाएगा तो एक्सेलरेशन होगा उसमें। और कितनी टाइम्स उसका एक्सेलरेशन होगा, कितनी बार उसका डायरेक्शन चेंज होगा? इन्फाइनाइट टाइम्स उसका एक्सेलरेशन होगा, इन्फाइनाइट टाइम्स उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है? है। कैसे है? बिकॉज स्पीड यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, मैं स्पीड को चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रही हूँ। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर हो जिसका रेडियस हो r और कंप्लीट करने सर्कल वो टाइम ले रहा है, टाइम t, यहाँ पर देखिए आपके इस ऑरेंज बॉक्स में दिया गया है कि सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है r, हर सर्कल का एक रेडियस होता है, कितना टाइम ले रहा है वो सर्कल को कंप्लीट करने के लिए? t टाइम ले रहा है। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, जितना उस सर्कल का क्या है, सर्कमफेरेंस है, तो सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या मिला? 2πr अपॉन टाइम। फिर नीचे यहाँ पर आपको एक डिस्क दी गई है और एक कॉइन दिया गया है। डिस्क रोटेट होती जा रही है, स्पीड में घूम रही है, और यहाँ पर सपोज अज्यूम कर लो उस घूमती हुई डिस्क पर हम लोगों ने एक छोटा सा कॉइन रख दिया है। जब कॉइन रखेगी तो कुछ सेकंड्स के बाद वो कॉइन डिस्क पर से गिर जाएगा। कोई भी रोटेट होती हुई चीज़ पर अगर हम कोई भी चीज़ रख रहे हैं तो क्या होगा, कुछ सेकंड के बाद वो चीज़ गिर जाएगी, बाहर की तरफ फेंकी जाएगी। ऐसे क्यों होता है? बिकॉज जब भी किसी चीज़ को हम एक पुश देते, एक फोर्स देते हैं, तो वो मोशन में होती है और वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे अगर मैं खिलौने की गाड़ी की बात कर रही हूँ, बचपन में जो टॉय कार्स होती थी, रिमोट कंट्रोल वाली नहीं, नॉर्मल टॉय कार्स जो होती है, उसे हम एक बार पुश करेंगे तो वो चलती जाएगी आगे आगे और वो एक ही लाइन में चलेगी, वो खुद से डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। तो इसी तरह से जब भी किसी चीज़ को हम लोग धक्का देते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव होगी जब तक कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। अगर हम लोग अगर उसको सपोज किसी ने कोई दीवार से टकरा गई या कुछ हो गया तो वो कार अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, लेकिन ऐसे वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, वो सीधे सीधे चलती रहेगी। तो जब भी किसी चीज़ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में जाता है जब तक कि बाहर से कोई दूसरा फोर्स नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जब हम डिस्क पर रख रहे हैं तो बाहर से कोई दूसरा फोर्स नहीं आ रहा है, डिस्क ने उसको एक फोर्स लगाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब क्या हो गया, डिस्क का हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, तो हर पॉइंट पर डिस्क का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन कॉइन का होगा क्या? नहीं होगा। तो कॉइन का नहीं होने की वजह से एक पॉइंट आएगा जब कॉइन डिस्क से बाहर चला जाएगा। वो बाहर क्यों गया? एक्चुअली वो सीधा सीधा चल रहा था और वो सीधे सीधे बाहर चले जाता है, और डिस्क का हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होते जाता है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। ये चीज़ें हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल कप टेबल पर रखा है तो क्या वो खुद उठकर मूव करेगा कि मैं आप बोर हो गया हूँ, चलो मैं जाके एमएम वैली पर वॉक करके आता हूँ, ऐसे तो नहीं कर सकता वो। तो वो उसी जगह पर रहेगा कब तक रहेगा? जब तक कोई उसे मूव नहीं करता फोर्स लगाकर। फिर एक एग्जांपल अज्यूम कर लो कि एक टेबल पर बुक रखी हुई है, तो मैं उसे इजीली टेबल से वो बुक को उठाकर मूव कर सकती हूँ, लेकिन वही अगर मुझे टेबल को मूव करना होगा तो क्या उतनी ही ताकत से मैं टेबल भी मूव कर पाऊँगी? क्या मैं टेबल उठा पाऊँगी खुद से उतनी ही ताकत से जितनी ताकत से मैंने बुक उठाई थी? नहीं उठा पाऊँगी, इसके लिए ताकत कम पड़ रही है। तो ऐसे क्यों हो रहा है?
इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर बॉडी के पास अपना एक इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो जो कि कितना एक बॉडी हटने के लिए कितना रेजिस्ट करेगी उसे अपने मोशन को मोशन में आने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। सो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी विच टेल्स अस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी फॉर चेंज इन इट्स मोशन, उसका मोशन चेंज करने के लिए। अगर वो रेस्ट पर है और मुझे उसे मूव करना है तो मुझे कुछ फोर्स लगाना होगा। वो फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? बिकॉज बॉडी क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है उस चेंज को। मुझे अपनी जगह पर ही बैठना है, मुझे मूव नहीं करना है, तो बॉडी रेजिस्ट कर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। वो रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया। वहीं अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो रुकेगी नहीं, उसे रुकने के लिए भी हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स लगाएंगे तो ही वो रुकेगी। ये हम लोग इसे भी हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया। अगेन एक मोशन में है वो बॉडी तो वो मोशन में ही रहेगी, कब तक? जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रुकाते नहीं हैं। तो चेंज अगर हमें मोशन को करना है, रेस्ट से मूव करना है, बॉडी को मोशन में लाना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, और मूव होती हुई बॉडी को रेस्ट पर लाना है तो भी क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ये हम लोगों ने बस में भी देखे होंगे, जब नॉर्मली जो हम लोग रेड बस में जब ट्रेवल करते हैं तो उस बस में जैसे ही बस रुकती है हमें बहुत ज़ोर से धक्का लगता है, हम आगे की तरफ जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है उस टाइम पर, बस मूव कर रही होती है तो हमारी बॉडी भी इनिशियली, मतलब जब बस शुरू होती है तब भी एक झटका लगता है हम लोगों को, बिकॉज हमारी बॉडी क्या है? रेस्ट पर। हमारी बॉडी मूव नहीं करना चाहती है, लेकिन बस मूव की तो हमें भी मूव करना पड़ा, तो एक इनर्शिया की वजह से एक फोर्स अप्लाई हुआ हम पर और इस वजह से वो झटका लगता है, जर्क जिसको हम बोलते हैं। और फिर जैसे ही हम लोग, अब हमारी बॉडी मोशन में, अब उसे मोशन में ही रहना है, अब उसे रुकना नहीं है, लेकिन जब बस रुक रही है तो मजबूरन बॉडी को भी रुकना पड़ रहा है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी क्या करती है? कोशिश आगे जाने की, लेकिन बस रुकी हुई है इस वजह से हमारी बॉडी आगे नहीं जा पाती है, तो हम लोगों को अगेन एक क्या लगता है? पुश लगता है, तो फिर हम थोड़ा धीरे से आगे होकर फिर पीछे होते हैं और ये चलता रहता है। तो यही चीज़ को हम एक्सप्लेन करने वाले, समझने वाले हैं अपने फर्स्ट लॉ में, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। फाइनली हमारे चैप्टर का, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आ गया। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू बी एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो वहीं पर रहेगी जब तक ये उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है। अब अनबैलेंस्ड क्या हो गया? इस बॉडी के पास कुछ इनर्शिया है, कुछ उसके पास ऑलरेडी इनर्शिया है। अगर मैं उतनी ही ताकत उस पर लगा रही हूँ जितना उसका इनर्शिया है, तो क्या वो मूव होगा? नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती हूँ तो ही वो मूव होगा। सिमिलरली अगर मैं मूव होती हुई बॉडी को एकदम हल्का सा पुश दे रही हूँ कि वो रुक जाए, तो क्या वो रुकेगी? नहीं। उसके लिए हम लोगों को जितना उसके जितने फोर्स से वो आ रही है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो रुकेगी। तो एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पर हम लोगों को नोट करना है कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है वो भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट देख लिया हम लोगों ने, बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट जो चीज़ कर रहा है वो वही चीज़ करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा। जैसे कि हमारी बॉडी पहले रेस्ट पर थी तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि बस का धक्का नहीं लगा, और मोशन में थी तो मोशन में ही थी जब तक कि बस नहीं रुकी। तो अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है? सपोज़ ये ट्रक यहीं पर खड़ी है, पीछे से कोई 100 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई कर रहा है,
और आगे से भी कोई 100 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दोनों इक्वल फोर्स है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से भी उतना ही जोर लग रहा है, पीछे की तरफ से भी उतना ही जोर लग रहा है, तो क्या ये ट्रक मूव होगी? नहीं मूव होगी। क्यों? बिकॉज ये दोनों फोर्स 100 न्यूटन और 100 न्यूटन के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वजह से कोई मोशन होगा? नहीं होगा। ट्रक क्या रहेगी? उसी वहीं पर खड़ी रहेगी। इसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। सेम उसका अमाउंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट रहेगा। फिर आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। जब हम अनइक्वल अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं, पीछे से मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, आगे से 60 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, तो 100 बड़ा है या 60? 100 बड़ा है, 60 कम है, तो कितना ज़्यादा फोर्स लगा रही हूँ मैं? 40 न्यूटन का ज़्यादा फोर्स लगा रही हूँ। तो ट्रक कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी? इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इस डायरेक्शन में क्यों मूव की? बिकॉज ये बड़ा फोर्स है और ये क्या है? छोटा फोर्स है, और इसलिए इसे हम अनबैलेंस्ड बोलते हैं। अनबैलेंस्ड क्यों है? बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं और साथ ही साथ इन दोनों की वैल्यूज भी क्या है? अलग अलग है। अगर अब मैं तुम लोगों को ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता है। तो अगर मैं सपोज़ गाड़ी, जैसे टॉय कार की बात कर रही थी मैं, तो वो टॉय कार को मैं धक्का दे दी, तो मेरे हिसाब से, मैं जो बोल रही हूँ उस हिसाब से, वो टॉय कार को रुकना ही नहीं चाहिए, बट वो आगे जाकर कुछ पॉइंट पर रुक जाती है। अब ऐसे क्यों होता है? बिकॉज इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है। फर्स्ट किस चीज़ का? एक तो एयर का रेजिस्टेंस, जो हवा को चीरते हुए वो कार जा रही है, उसका एक फोर्स लग रहा है। दूसरा, जो टायर ज़मीन पर से चल रहे हैं उसमें फ्रिक्शन है यहाँ पर ज़मीन और टायर के बीच में, तो जब ज़मीन और टायर के बीच में फ्रिक्शन है तो वो भी क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, एक तो फ्रिक्शन और दूसरा रेजिस्टेंस बाय एयर, इस वजह से वो कार रुक गई। सिमिलरली अगर मैं टेबल पर अगर बुक को स्लाइड कर रही हूँ, तो आइडियली अगर मैंने फोर्स लगा दी तो वो चलते ही जाना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए कभी भी, इन्फिनिटी तक वो चलती ही जाएगी, लेकिन वो रुक जाती है। अगेन उसका भी यही रीज़न है कि बुक और टेबल के बीच में क्या आ जाता है? फ्रिक्शन हो जाता है। फ्रिक्शन आने की वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स आने की वजह से वो रुक जाती है। बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की तरफ, तो अगर हम लोग आइडियल डेफिनेशन से देखें तो बॉल को ऊपर ही जाते जाना चाहिए, लेकिन बॉल नीचे आती है। क्यों नीचे आती है? बिकॉज ग्रेविटी एक फोर्स अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है? ग्रेविटी अगेन एक क्या है? फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से धीरे धीरे वो नीचे आ जाती है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की टेंडेंसी उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए। फिर आते हैं हम न्यूटन के सेकेंड लॉ पर। यहाँ पर हम लोगों को एग्जांपल दिया गया है कि अगर मैं एक फ्रेंड को बॉल दे दूँ, दो बॉल, एक प्लास्टिक का और एक रबर का, वो आपको सेम हाइट पर से वो बॉल फेंक रहा है, आपको कैच करना है उस बॉल को, तो कौन सा बॉल पकड़ने में आपको दिक्कत होगी और कौन सा बॉल इजीली पकड़ोगे? आंसर क्वाइट क्लियर है कि जो रबर बॉल होगी वो पकड़ने थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन अगर प्लास्टिक बॉल है तो उसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। अब ये क्यों होता है ऐसे, वो हम लोग आगे समझेंगे अभी। फिर आता है बॉल को अगेन फेंकना है, एक ही बॉल को, पहले धीरे से उसके बाद में स्पीड में। कौन सी बॉल ज़्यादा आसानी से पकड़ोगे? ऑब्वियसली जो बॉल धीरे से चल रही है उसे आसानी से पकड़ लेंगे। अब ये दोनों चीज़ें क्यों हो रही है, इसका आंसर क्या है? मोमेंटम।
मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, जिसका फॉर्मूला है m इंटू वी। अब यहाँ पर इसे हम समझेंगे कि मोमेंटम इस बॉल के एग्जांपल से समझेंगे, क्योंकि जब प्लास्टिक और रबर बॉल की बात हो रही थी तो हाइट सेम थी, मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी बॉल की, सेम होगी। क्या फ़र्क था दोनों में? मास का फ़र्क था। प्लास्टिक का बॉल हल्का था, मतलब m की वैल्यू क्या थी, कम थी, और वही रबर बॉल का मास ज़्यादा था, तो यहाँ पर m की वैल्यू ज़्यादा थी। तो ऑल द वेलोसिटी दोनों की सेम थी, क्या फ़र्क था दोनों में? मास का फ़र्क था। इस वजह से किस में फ़र्क आया? मोमेंटम में फ़र्क आया और पकड़ने की आसानी में फ़र्क आया। फिर वही चीज़ अगर मैं बात करूँ, सेम बॉल को मैं दो अलग अलग स्पीड से फेंक रही हूँ, एक स्लो और एक थोड़ा स्पीड में फेंक रही हूँ मैं। तो जब धीरे से फेंक रहे होते हैं उस टाइम पर वेलोसिटी कम होती है, जब थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड में फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है। मास इस सिचुएशन में सेम है, क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ, और मोमेंटम का चेंज होने की वजह से हमारी पकड़ने की जो आसानी थी वो क्या हो गई? चेंज हो। अब मोमेंटम अगेन क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी? बिकॉज इसमें क्या आ रही है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट क्या होगा? तो एसआई सिस्टम में मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास का क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब हम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं उस टाइम पर चेंज होता है मोमेंटम में, और वो जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है जो फोर्स पर, मतलब जो हम लोगों का फोर्स कितना लगने वाला है वो डिपेंड करता है चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यही मोमेंटम पर हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सुनने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, बट हम इसे समझेंगे एक डेरिवेशन के साथ। यहाँ पर इसका डेरिवेशन दिया गया है कि अज्यूम कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। जब हम लोगों ने उस पर फोर्स अप्लाई किए f का, कैपिटल f का, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है स्मॉल v। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू स्मॉल u। फाइनल वेलोसिटी क्या थी? v। तो फाइनल मोमेंटम t टाइम के बाद क्या होगा? mv। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज इज ऑलवेज चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, मोमेंटम का चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना है? एम वी। इनिशियल कितना है? एम यू। एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, विच इज़ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वी माइनस यू अपॉन टी। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेकिन क्या मिला हम लोगों को? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाते हैं, इक्वल्स टू लगाते हैं, तो उस टाइम पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब वो कोई भी अल्फ़ाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं उसको के से। तो इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे हम? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या मिल गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब
फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो SI यूनिट उसका क्या होगा? मास कितना होता है? मास का यूनिट kg में होता है, और एक्सेलरेशन का कितना होता है? मीटर पर सेकेंड में। तो यूनिट क्या होगा फोर्स का? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपने नोटिस किए होंगे कि जब भी फोर्स की बात करते हैं तो हम हमेशा न्यूटन यूज़ करते हैं। तो kg मीटर पर स्क्वायर जो है, इस क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं न्यूटन से, और इसे हम क्या लिखते हैं? कैपिटल N। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अब न्यूटन क्या होता है? कुछ नहीं, kg पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर उसका डेफिनेशन दिया गया है कि अगर मुझे 1 किलो के मास को अगर मूव करना है, उसको एक्सेलरेट करना है बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस टाइम पर मुझे जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को मैं क्या बोलूँगी? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg into 1 meter per second square। CGS यूनिट जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स, इसमें मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम, और वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसे हम क्या बोलते हैं? डाइन। द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 cm/s² इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg 1 ग्राम। 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट को अगर मुझे 1 cm/s² के एक्सेलरेशन करना है, तो उस टाइम पे मुझे जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को मैं क्या बोलूँगी? 1 डाइन। 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 gram into 1 cm/s². उसके बाद आता है हम लोगों का थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हम लोगों ने काफ़ी बार सुने होंगे कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब इक्वल भी होगा, अगर मैं किसी चीज़ पर धक्का दे रही हूँ तो वो चीज़ भी मुझ पर उतना ही धक्का देगी। जितना मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उतना ही वो भी फोर्स अप्लाई करेगी। क्या फ़र्क होगा? वो अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब फर्स्ट बॉडी अगर किस सेकेंड बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगी। क्या फ़र्क होगा उसमें? सिर्फ वो अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर उसका एग्जांपल दिया गया है, जब हम फायर करते हैं बुलेट को गन से, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बुलेट का? आगे की तरफ। वो आगे की तरफ जाती है, तो जब वो आगे की तरफ जा रही है तो एक एक्सेलरेशन होगा, रिकॉइल होता है गन में, और गन हमारी पीछे की तरफ आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉइल करना बोलते हैं। जब गन पीछे की तरफ आती है फायर करने पर, उसे हम रिकॉइलिंग बोलते हैं। तो आगे जब बुलेट हमारी आगे जा रही है तो गन क्या होती जा रही है? पीछे होती जा रही है। ये एक एग्जाम्पल है हम लोगों का न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। अगेन जब हम चल रहे होते हैं उस टाइम पर हम ज़मीन को नीचे की तरफ पुश करते हैं, और ज़मीन हमें क्या करती है? आगे ऊपर की तरफ पुश करती है, तो हमारे पैर ऊपर जाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम ज़मीन को नीचे की तरफ पुश करते हैं, ज़मीन उतना ही फोर्स हमारे तरफ ऊपर पुश करती है, और फिर हम आगे चलते हैं। इस तरह से वॉकिंग में भी हम न्यूटन के थर्ड लॉ को देख रहे हैं। फिर यहाँ पर ये बच्चा बोट से उतर रहा है, वो फोर्स बोट पर डाल रहा है, और बोट उतना ही फोर्स बच्चे पर डाल रही है, और वो यहाँ से मूव कर रहा है। अगर मैं फिंगर को वॉल पर पुश कर रही हूँ, तो जितना फोर्स मैं लगा रही हूँ वॉल पर, उतना ही फोर्स वॉल मुझ पर लगा रही है। फर्क दिख रहा है यहाँ पर डायरेक्शन का, मैं लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लगा रही हूँ और वॉल राइट हैंड साइड फोर्स लगा रही है। फिर आता है बॉल। अगर मैं रबर बॉल को दीवार की तरफ फेंक रही हूँ तो वो रिटर्न आएगी मेरे हाथ में, तो जितना फोर्स बॉल दीवार पर लगाती है उतना ही फोर्स दीवार भी क्या करती है? बॉल पर लगाती है। क्या फ़र्क होता है इसमें? अगेन ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। फिर आता है बलून का एग्जांपल, कि एक बलून को मैंने ब्लो की, उसके बाद में मैंने उसको छोड़ दी नीचे ज़मीन की तरफ उसका मुँह खुला रख कर, तो हवा बलून से क्या होगी? नीचे की तरफ जाएगी। जब नीचे की तरफ जाएगी तो
एयर ज़मीन से टकरा रही है तो ज़मीन पर एयर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो ज़मीन भी एयर पर फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से बलून कौन सी डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हम लोगों ने काफ़ी एग्जांपल देख लिए हैं, हमें समझ में आ गया, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ पॉइंट रिमेंबर करने होंगे। एक्शन और रिएक्शन ये क्या है, ये टर्म्स है जो फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं। ये फोर्स हमेशा पेयर में होते हैं, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर फोर्स का एक अपोजिट फोर्स होता है, और वो फोर्स उतनी ही मैग्नीट्यूड का होता है जितना हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किए हैं, और क्या फ़र्क होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, मतलब अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो उल्टा फोर्स आएगा और उसी टाइम पर आएगा। अब फोर्स लगाने के कुछ देर बाद वो फोर्स रिएक्शन उसका नहीं मिलेगा, उसी वक्त फौरन मिलेगा, और ये दोनों दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे हो रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर दीवार पर फोर्स लगा रही हूँ तो दीवार भी खुद पर ही फोर्स नहीं लगा रही है, दीवार किस पर फोर्स लगा रही है, मेरी फिंगर पर फोर्स लगा रही है, और यहाँ पर बॉल दीवार पर फोर्स लगा रही है और दीवार बॉल पर फोर्स लगा रही है, एयर ज़मीन पर फोर्स लगा रही है और ज़मीन फिर हमारे बलून पर फोर्स लगा रही है। इस तरह से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से ये कैंसिल आउट नहीं होते, वरना हम लोगों ने फर्स्ट लॉ के टाइम पर देखा था कि जब बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड का तो हमेशा वो दोनों कैंसिल आउट होते हैं और कोई मोशन नहीं होता है, बट यहाँ पर मोशन हो रहा है। क्यों हो रहा है मोशन? बिकॉज दो अलग अलग बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, हालांकि सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन क्या फ़र्क है, दो अलग अलग बॉडी पर हो रहा है। अगर सेम बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता तो उस टाइम पर वो बॉडी मूव नहीं करती, स्टिल रहती। उसके बाद में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब जब भी हम किसी भी बॉडी में मोमेंटम होता है तो हमेशा वो मोमेंटम कंजर्व होता है, वो कभी ज़्यादा कभी कम नहीं होता। मोमेंटम जितना इनिशियली रहता है उतना ही फाइनल भी रहता है, इनिशियली जितना मोमेंटम रहता है दो बॉडीज़ के बीच में उतना ही फाइनल भी रहेगा। अब इसको यहाँ पर उसका प्रूफ दिया गया है। अज्यूम कर लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और इनिशियल वेलोसिटी है u1, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1। फिर एक ऑब्जेक्ट है b जिसका मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 u2। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, a और b कोलाइड कर रहे हैं, a की तरफ f1 फोर्स है, b की तरफ f2 फोर्स है, क्या फ़र्क है इन दोनों में, खाली ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कोलिजन के बाद जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं उसके बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ए की वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल v1 और बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2। तो ए का मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 और बी का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 v2। अब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जितना ए ने बी पर फोर्स अप्लाई किया उतना ही बी ने भी ए पर फोर्स अप्लाई किया, क्या फ़र्क है बस दोनों में, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो F2 इज इक्वल्स टू माइनस F1। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, माइनस यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है। तो M2 A2 क्या हो जाएगा माइनस M1 A1। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस U अपॉन T, तो A2 क्या हो जाएगा V2 माइनस U2 अपॉन T और M1 क्या हो जाएगा V1 माइनस U1 अपॉन T। यहाँ पर मैं टाइम को सेम रख रही हूँ, क्यों सेम रख रही हूँ, बिकॉज दोनों जो भी चीज़ें हो रही है वो एक ही टाइम पीरियड में हो रही है, अलग अलग टाइम में नहीं हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है। तो जब साइमल्टेनियसली हो रही है तो टाइम दोनों को सेम लग रहा है, इस वजह से टाइम सेम है, बाकी सारी क्वांटिटीज़ मैं दो दो अलग अलग नंबर्स यूज़ किए मैंने। तो m2 v2 यहाँ पर m को मल्टीप्लाई किया मैंने, t नीचे सेम है, कैंसिल आउट हो गया, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू माइनस m1 v1
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एम वन यू वन। अब मैं इसको रीअरेंज करूँगी, जब मैं रीअरेंज करूँगी तो माइनस एम वन यू वी वन वहाँ पर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ का माइनस एम वन यू वन एम टू यू टू राइट हैंड साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये क्या है एम टू वी टू फाइनल मोमेंटम बी का, एम वन वी वन फाइनल मोमेंटम किसका, एम टू वी टू क्या है फाइनल मोमेंटम बी का, एम वन वी वन फाइनल मोमेंटम ए का। तो फाइनल मोमेंटम का सम और इनिशियल मोमेंटम का सम सेम है, इक्वल है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम जितना था उतना ही फाइनल मोमेंटम है। इससे क्या पता चला, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब मोमेंटम कंजर्व हुआ। कंजर्व हुआ मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, जितना था उतना ही रहा एंड में इन टोटल। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है कोई दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट में, तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। और इसे हम कोरोलरी भी बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। कोरोलरी मतलब एक काइंड ऑफ उसका एप्लीकेशन बोल देंगे या फिर उसका एक प्रूफ जैसा बोल देंगे कि हाँ पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन आया, उसके बाद में उसके बेसिस पे हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ किया कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसके बाद हम लोगों ने रिकॉइल देखे थे कि गन में रिकॉइल होता है, बुलेट जब आगे जाती है तो उस टाइम पर गन पीछे आती है, तो रिकॉइल क्या होता है बैकवर्ड मोशन ऑफ गन, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर एक गन है अज्यूम कर लो, जिसमें से बुलेट है स्मॉल छोटी सी, उसका मास स्मॉल एम है, उसकी वेलोसिटी है वी वन। गन जो है उसका मास क्या है कैपिटल एम और वेलोसिटी क्या है वी टू। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ये हम लोगों ने देखे कि जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, बिकॉज मोमेंटम क्या होता है कंजर्व होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। तो एम वन एम यू वन प्लस कैपिटल एम यू टू इज इक्वल्स टू एम वी वन प्लस कैपिटल एम वी टू। अब इनिशियली जब मैंने बंदूक नहीं चलाई थी उस टाइम पर दोनों भी क्या थे स्टेशनरी थे, दोनों भी रेस्ट पर थे, वेलोसिटी नहीं थी, तो मतलब वेलोसिटी क्या थी उस टाइम पर ज़ीरो थी। और यहाँ पर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, तो जब मुझे अगर पता करना होगा कि कितनी वेलोसिटी से गन पीछे रिकॉइल हो रही है, तो वो कैसे पता करूँगी इस फॉर्मूले से। रीअरेंज की मैंने, बस क्या की मैंने, ये एम वी वन है स्मॉल एम वी वन, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जा रही हूँ, तो वो माइनस एम वी वन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा कैपिटल एम और वी टू, मुझे सिर्फ वी टू पता करना है, तो कैपिटल एम भी क्या आ जाएगा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वी टू का फॉर्मूला क्या मिला, माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू वी वन। मतलब अगर मुझे पता करना होगा कि बुलेट में जब फायर कर रही हूँ तो गन कितनी वेलोसिटी से पीछे आएगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना, क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो बुलेट का मास, दूसरा गन का मास, और तीसरा उस बुलेट की वेलोसिटी कितनी है। तो हम क्या पता कर पाएंगे कि कितना रिकॉइल हुआ, कितनी वेलोसिटी से वो पीछे आई है गन, तो उसका एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप सबका चैप्टर ख़त्म हो जाता है हमारा पूरा फाइनली। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। योर डाउट्स आर ऑलवेज वेल।